भारत सरकार ने 2021 में सोयाबीन की 7 वैरायटीज को रिलीज किया है, उनमें से एक है एनआरसी 138। इस वैरायटी को मध्य क्षेत्र के लिए रिलीज किया गया है। मध्य क्षेत्र में जो एरियाज आते हैं वो आपका पूरा मध्य प्रदेश, यूपी का उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एरिया, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र इसमें आते हैं। यह एक जल्दी पकने वाली वैरायटी है जो लगभग 90 दिन में तैयार हो जाती है। इससे पहले भी किसानों के पास दो वैरायटीज थी, JS 2034 और JS 9560, जो कि जल्दी पकती हैं और मध्य क्षेत्र के किसानों को बहुत पसंद थी। पर इन दो वैरायटी में कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि 9560, जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले कुछ सालों से बीमारियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और जो 2034 से बीमारियां तो नहीं हैं पर उसकी फलियां जमीन से बहुत नीचे लगने की वजह से किसान को काटने में दिक्कत आती है और कुछ फलियां नीचे की रह जाती हैं या उन्हें हाथ से काटना पड़ता है। एनआरसी 138 ऐसी वैरायटी है जिसकी फलियां भी जमीन से 15-20 सेंटीमीटर ऊपर लगती हैं, जिससे मैकेनिकल हार्वेस्टिंग आराम से कर सकते हैं। और जहाँ तक बीमारियों का प्रश्न है, येलो मोज़ेक बीमारी तो बिल्कुल नहीं आती है, चारकोल रॉट का भी असर बहुत कम होता है। पिछले साल ट्रायल में जहाँ जहाँ बीमारियाँ ज़्यादा थी, जैसे इंदौर, सीहोर, जबलपुर, वहाँ वहाँ इस वैरायटी ने बहुत अच्छा किया है। 9560 और 2034 से कई गुना अधिक उपज आई इस 138 में। और इसके अलावा इसमें कीड़ों का भी प्रकोप बहुत कम होता है और इसका जो एवरेज उत्पादन ट्रायल में आया है वो है 18 क्विंटल, पर कुछ जगह ट्रायल के लोकेशन में 3 टन भी आया है। अगर आप भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा दी गई अनुशंसा का पालन करते हैं तो आप 3 टन तक भी इसका उत्पादन ले सकते हैं और बीमारी और कीड़ों का प्रकोप इस वैरायटी में बहुत कम है।